बढ़ते बढ़ते अब हम लोग आज की अगर देखें 11 की देखें तो 121 पे, उस समय पॉपुलेशन के हिसाब से 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध था देश के अंदर। अब पानी धीरे धीरे घटता जा रहा है और आदमी धीरे धीरे बढ़ता रहा, तो जल संचय की दृष्टि से बहुत अच्छा काम करने जल शक्ति मंत्रालय जा रहा है। और उसमें हम लोगों ने ये किया है कि एक कानून बनाने जा रहा हूँ कि जितने भी कॉलेज हैं, चाहे डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, हर कॉलेज को अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। जो नए कॉलेज बन रहे हैं विदाउट उसके उनको मान्यता नहीं मिलेगी, और जो पुराने कॉलेज हैं अगर मान्यता मिल गई तो उसका रिन्यूअल नहीं होगा जब तक वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को नहीं लगेगा। इसी तरीके से जितने ऑफिस हैं, चाहे चौकी है, थाना है, तहसील है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है या स्टेट ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, हर ऑफिस में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, उसको अनिवार्यता करने जा रहे हैं। बैठी है शंकरगढ़ और ये बहुत दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक छोटा सवाल ये है कि जल नीति आपकी कब तक आ जाएगी, और दूसरा ये सवाल है, आप प्रयागराज के प्रभारी मंत्री भी हैं, जब से प्रयागराज हुआ है इसमें क्षरण शुरू हो गया है, इसका महिमा मंडल और ऑफिसेज यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं, क्या आगे क्या स्थिति बनेगी? ये दो छोटे सवाल। भारत के जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, भारत के जितने वेद शास्त्र उपनिषद हैं, सब में बिना प्रयागराज के कुछ पूरा नहीं होता, और तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, और प्रयागराज के नाम से कोई क्षरण नहीं हो सकता, समृद्धि हो सकती। प्रयागराज हमारे लिए गर्व है, प्रयागराज हमारे लिए गौरव है, प्रयागराज हमारे लिए समृद्धि का द्योतक है, और प्रयागराज हमको सब कुछ देता है। जो अपने घर में समरसेबुल लगाते हैं, अगर वो 1.5 लाख का 2 लाख का समरसेबुल लगा रहे हैं तो उनके लिए भी हम लोग आगे व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उसका पंजीकरण करेंगे जो लोग लगा चुके हैं, जो लगाने वाले हैं, और उनको भी सबको उसमें अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है कि कोई भी नक्शा, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, चाहे कॉलोनी हो, चाहे प्राइवेट हो, XYZ किसी का नक्शा तब तक पास नहीं होगा जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का उसमें व्यवस्था नहीं होगी। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे ग्राउंड वाटर को लोग प्रदूषित बहुत कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई केमिकल फैक्ट्री है या कोई बूचर खाना है, वो पशुओं के ब्लड को नीचे या कोई और काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी हम व्यवस्था कानून में बनाने जा रहे हैं कि हम लोग ऐसे लोगों को 5 से 7 साल की सजा और 10 से 20 लाख का जुर्माना करेंगे जो हमारे ग्राउंड वाटर को प्रदूषित करें। एक छोटा सा कनस्टर को नीचे गाड़ करके उसमें झावा ईंटा डाल के पानी गिरा रहे हैं, वाटर का बहुत अच्छा रिचार्जिंग होगा। दूसरा, जो इंडिया मार्का 2 समाप्त हो गया, उन इंडिया मार्का 2 की जैसे मुंडी गायब हो गई, बाकी हो गया, तो उसका बोरिंग जो है उसको गड्ढा करा के हम उसका उपयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से भी हम रिचार्जिंग अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो हम बहुत सारे माध्यमों के को लेकर के हम लोग उसकी रिचार्जिंग करने जा रहे हैं। एक और बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि 22 और 23 तारीख को अभी उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग ने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की कंपनियों को आमंत्रित किया था मैंने, और उस आमंत्रण के माध्यम से 2 दिन का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ। इजराइल से भी कंपनियां आई, इंग्लैंड से भी आई, बहुत सारी जगहों से आई, और उनके माध्यम से भारत की अच्छी कंपनियां आई हैं। हम लोग सिंचाई विभाग जल शक्ति के माध्यम से, हमारे पास ज़मीन बहुत है, हम नहरों का उपयोग करते हुए सोलर एनर्जी को जनरेट करने जा रहे हैं, जल नीति बनाने जा रहे हैं। 113 ब्लॉक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिन 113 ब्लॉकों में हम क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल जोन में पहुंच गए हैं। कुछ ब्लॉक ऐसे हैं हमारे जो हम आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित हैं, कुछ खारे क्षेत्र से हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश को समग्रता के आधार पर लेकर के उन सभी ब्लॉकों को सेम जोन में कैसे ले आए उसकी भी बहुत अच्छी रणनीति बना रहे हैं, जिससे हम तालाबों के माध्यम से, कुओं के जीर्णोद्धार के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, चेक डैम के माध्यम से, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, छत का पानी घर में, और इसी तरीके से गांव का पानी गांव में रुके, जिससे जल का संचयन हो, जल का संवर्धन हो और स्वच्छ जल लोगों तक पहुंच पाए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे।
आपके नवंबर महीने में इसको लेकर के हम आ रहे हैं, जिसके माध्यम से एक साल के अंदर अगर सब कुछ ठीक रहा तो मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के दृष्टि से, जैसा उन्होंने पंचायतों के लिए पहली बार चिट्ठी लिखा है और बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा, 22 जून के हम लोगों ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम किया। सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, तीनों प्रकार की एनर्जी को हम जनरेट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग अपने विभाग के पूरे जितने भी वाटर रिचार्जिंग से लेकर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तक का सिस्टम है उसमें भी हम लोग बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं कि हम स्प्रिंकलर के माध्यम से, वन ड्रॉप मोर ड्रॉप के, पानी का कम से कम प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को सिंचाई करें और जिसके माध्यम से हम ग्राउंड वाटर को कम से कम निकाल सकें और जिससे हमारा ग्राउंड वाटर भी सेफ हो और हमारा इरीगेटेड लैंड जो है वो तो मैक्सिमम एरिया को हम कवर कर पाएं और फसलों का भी उत्पादन अच्छा हो। तो ये मैंने दो तीन बताए, मेरे पास ऐसे 50 जो नए प्रयोग। प्रयागराज की हमेशा हम प्रयागराज की छत्र छाया में रहते हैं और प्रयागराज का संवर्धन, प्रयागराज का आशीर्वाद, ये सब कुछ हम लोगों के ऊपर बना रहे, इसलिए प्रयागराज को सर आगे तो कुछ नहीं जाएगा। दूसरा विषय आपने कहा है दूसरा विषय कहा कि मैं प्रयागराज का प्रभारी, मैं जो कुछ भी प्रयागराज के लिए कर पाऊंगा अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करूंगा। मैं प्रयागराज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमको शक्ति प्रदान करें कि हम प्रयागराज के लिए कुछ अच्छा करते हैं उत्तर प्रदेश के।